हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो फिलहाल यार मैं भोकरा में उतर गया हूँ। उतरते ही मैंने सबसे पहले तो एनसेल का कूपन लिया जो कि 50 रुपये का मिलता है, उससे कम मिलता नहीं। और उसके बाद किया 18 रुपये का नेट का रिचार्ज ताकि मैं लोकेशन देख सकूँ अपने यूथ हॉस्टल की। और भाई खाना भी खा लिया मैंने, सुबह से कुछ नहीं खाया था, एक बार बिस्किट का पैकेट खाया था बीच में, उसके बाद अभी खाना खा लिया, 135 रुपये का खाया था। और अभी बस निकल रहा हूँ, देखते हैं बस आगे बादाम रोड जाएगी क्या। बादाम रोड भाई, बस वाला अपने को 1.5 किलोमीटर लेके आया और वहीं पीछे उतार दिया। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर और है, थोड़ा मैं चल कर आ चुका हूँ। लिफ्ट ट्राई की लेकिन कोई नहीं रोक रहा है, चलो फिर ठीक है। और टैक्सी वाले से पूछा तो उसने 300 रुपये बताया, तो उस चक्कर में बोला ठीक है 2 किलोमीटर पैदल ही चला जाऊँगा। तो अभी जा ही रहा हूँ, बस देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये रहा यूथ हॉस्टल, अपन लोग पहुंच चुके हैं, अभी बात करेंगे आके जाके। फाइनली गाइस मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ, यूथ हॉस्टल में। बाकी पूरा हॉस्टल सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा क्या नज़ारा है, पूरा इलाका पूरा व्यू दिखाऊंगा, अभी बस रेस्ट करूँगा। तो गाइस रात में हम इधर हॉस्टल में रुके थे, यूथ हॉस्टल में। यहाँ पर थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, पूरा व्यू दिखा देता हूँ, कितने रूम्स हैं क्या है। ये देख सकते हो आप लोग, ये पूरी बिल्डिंग है इनकी, और सामने आपको दिखेगा रिसेप्शन ऑफिस। और इसके अलावा यहाँ पर भी एक बिल्डिंग नज़र आएगी आपको, पूरा व्यू। और जो ब्रेकफास्ट का एरिया है जहाँ पे लंच वगैरह होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे जाके है। लेकिन उससे पहले मेरा रूम भी दिखा देता हूँ, ये रिसेप्शन एरिया रहा, ऑफिस है इनका। और ये मेरा रूम है, ऊपर वाला जो बेड था वो मेरा था। यहाँ पे आप पानी वगैरह ले सकते हो, और यहाँ पे है लंच वगैरह खाने की जगह। और ये भैया है, भैया कितने रूम है भैया पूरे हॉस्टल में? 100 पीपल का कैपेसिटी है। प्राइवेट रूम भी है? प्राइवेट रूम है ना, प्राइवेट रूम 15 है ना। अच्छा, प्राइवेट रूम का क्या चार्ज है? प्राइवेट रूम का 1500। अच्छा 1500 भी है? अच्छा 1000 अलग अलग रेट में मिलेंगे आपको। ये नाम बता दीजिए एक बार। यूथ हॉस्टल, ओके। ये पूरा बाहर का व्यू है, ये किचन रूम का। यहाँ पे आप लंच वगैरह और खाना वगैरह सब खा सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहीं पर करते हैं हमारे इस वीडियो को एंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपका भाई ऐसे ही ट्रैवल स्टार्ट जर्नी रखे। धन्यवाद।